राजधानी देहरादून में साउथ इंडियन फूड के दीवानों के लिए अन्ना ढोसा बेस्ट जगह है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के ढोसा और इडली खाने को मिलते हैं। यहाँ की खास बात है कि मिनिमम रेट पर आपको बेस्ट क्वालिटी का ढोसा खाने को मिलता है। अन्ना ढोसा ईसी रोड देहरादून पर मौजूद है और इसकी टाइमिंग दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक की है। भारत के नॉर्थ में साउथ इंडियन फूड का हब अन्ना ढोसा देश की विविधता को भी दर्शाता है। दून में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इसे खाया ना हो या जो इसे खाता ना हो। वैसे तो साउथ इंडियन फूड की भरमार देश के हर कोने में देखने को मिलती है, लेकिन जो मायने रखता है वह है इसका स्वाद। और दून में साउथ के ओरिजिनल स्वाद को बना रहे हैं अन्ना ढोसा के मालिक वरुण अन्ना। इनकी दुकान पर ढोसा खाने वालों की लाइन लगी रहती है। वरुण अन्ना बताते हैं कि वह अपने अन्ना ढोसा के आउटलेट पर ग्राहकों के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के ढोसा की वैरायटी तैयार करते हैं, जिनमें प्लेन ढोसा, मसाला ढोसा, बटर मसाला ढोसा, बटर पनीर ढोसा, प्लेन पनीर ढोसा बनाया जाता है। इसके अलावा इनका एक ढोसा 2 लोगों के लिए काफी होता है और इसका स्वाद भी एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में होता है। ये मैं साउथ से आ रखा सर, इसलिए थोड़ा टेस्ट भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। कितने प्रकार का डोसा? हमारे पास 12 प्रकार का के डोसा है। मसाला डोसा है, ऑनियन मसाला, बटर मसाला, पनीर मसाला, ऐसा वेराइटी अलग है। पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है? पब्लिक का बढ़िया है रिस्पॉन्स है, टेस्ट भी बढ़िया दे रहे हैं यहाँ से, इस वजह से बढ़िया रिस्पॉन्स है। प्राइस सबसे कम रेट में 50 रुपये प्लेट से दे रहे हैं। सर मेरा नाम मोहित सिंह है और हम लोग स्पेशली इसी के लिए आए हैं। मदुरई से आते हैं, तमिलनाडु से स्पेशली डोसे के लिए आते हैं, जो कि यहाँ से बहुत डिफरेंट है वहाँ के साउथ इंडियन आइटम है। और दूसरी बात सर कि हम लोग वहाँ के हिसाब से बनाते हैं और हर तरह के 10 से 12 तरीके के डोसे होते हैं। स्पेशल उत्तपम हो गया और ऑनियन मसाला हो गया, मसाला डोसा हो गया, स्पेशल मसाला हो गया, प्लेन मसाला हो गया। एंड हम लोग जो है कोशिश करते हैं जितना हो सके कस्टमर को अच्छा और फ्रेश माल दिया जाए। और सर दूसरी बात है कि हम लोग वहाँ के हिसाब से बनाते हैं, वहाँ का टेस्ट देते हैं जो साउथ इंडियन है। जैसे आप जानते हैं कि वहाँ का आइटम है तो यहाँ पर लाना एक अलग जो है चुनौती होता है हमारे लिए। हम यहाँ पे कस्टमर को सोचते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना अच्छा दें। हमारा जो है डोसे में फीलिंग जो है अच्छा करते हैं। टमाटर देख लीजिए इतना महंगा हो गया फिर भी हम टमाटर डाल रहे हैं, और क्योंकि कस्टमर को अच्छी चीज़ मिल सके, वो ये कह सके कि हाँ आपका डोसा बेटर है, ताकि जो है हमारा नाम और ज़्यादा हो और जो है अन्ना डोसा देहरादून में नहीं पूरे इंडिया में और मशहूर हो और इसकी ब्रांचें खुले। इसलिए हमारा टारगेट ये है सर कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा हो। हम सर यहाँ पे आए हैं आज से 5 साल पहले आए हो, 5-6 साल हो गए हैं। तो आइडिया सर इसी से आया सर कि हम लोग वहाँ बनाते थे तो वहाँ पे स्पेशली ये कम चलता है, क्योंकि वो साउथ इंडियन आइटम है तो वहाँ पे कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यहाँ के आइटम वहाँ चलते हैं वहाँ से यहाँ। तो यहाँ जो है यहाँ जैसे यहाँ के कुछ आइटम्स हैं तो यहाँ लोग कम से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आती है, नया चीज़ आता है मार्केट में, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही दिमाग में आया सर कि यहाँ पे जो है नया आइटम लेके आया जाए कुछ, तो लोग पसंद करेंगे।